हाय दोस्तों, कैसे हैं? जैसे कि मैंने वीडियो में आपको बोला था, मैं आपको जो पहाड़ी नींबू है, जिसे पहाड़ में तूक के नाम से जाना जाता है, उसकी पिलाई करते हुए, उसका रस निकालते हुए दिखाऊंगा, जो कि नेचुरल निकालते हैं हम लोग, कोई किसी मशीन का यूज़ नहीं करते, जो कि पहाड़ों में पहाड़ी लोगों से हाथ से बनाया हुआ होता है, जो कि लकड़ का होता है। पहाड़ी लैंग्वेज में हम उसे जाति के नाम से जाना जाता है, जाति बोलते हैं उसको। तो बने रहे, मैं दिखाता हूँ आपको। मेरे सामने देख सकते हो, ये बड़ा नींबू है, ये बड़ा नींबू है। सुबह का टाइम है, कल हमने इनको पेड़ से तोड़ा था नींबू को, अभी नींबू लाया जा रहा है, देख सकते हैं आप, मैं वीडियो में दिखाता हूँ। और उधर से वो लोग लेके भी आ रहे हैं, सकते हैं ऐसे नींबू को लाया जा रहा है। ये देखिए, ये बड़ा नींबू है, जो कि पहाड़ में इसे चूक के नाम से जाना जाता है, पहाड़ी नींबू भी कह सकते हैं इसको, बड़ा नींबू है। तो देख सकते हैं हम यहाँ पे इसको स्टोर कर रहे हैं। उसके बाद में ये, इसको जाति कहा जाता है, जाति के नाम से जाना जाता है, जो कि हमारे दादाजी इससे रस निकाल रहे, देख सकते हैं। मैं उस तरफ से दिखाता हूँ आपको, ये देख सकते हैं, ये कुछ इस तरह से बना होता है, जो कि लकड़ का है। लकड़ को कटिंग करके ऐसा बनाया जाता है और ऐसे फिटिंग करते हैं, और उसके ऊपर जो ये नींबू है ऐसे रखा जाता है, फिर ऊपर से इसको प्रेस करते हैं तो रस ऐसे नीचे आता है, देख सकते हैं। तो देख सकते हैं पहाड़ में ऐसे चूक, यानी कि पहाड़ी नींबू, इसका रस निकाल के बाद में इसको पकाएंगे। पकाने के बाद जब ये अच्छे से पक जाएगा, फिर इसको बोतलों में डाल के रख सकते हैं। ये मेडिसिन के काम भी आता है, और जैसे कि आप चटनी वगैरह, पुदीना की कोई चटनी वगैरह बनाते तो खट्टास के लिए उसमें यूज़ करते हैं हम लोग, और या चीनी, जैसे कि नींबू पानी के लिए भी यूज़ करते तो उसमें भी डाल सकते हैं उसका रस, वहाँ पे काफ़ी खट्टा होता है, ये देख सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है ये वीडियो, तो बने रहे हमारी इस वीडियो पे। तो देख सकते हैं गाइज, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं, इस तरह से हम लोग इसका रस निकालने का काम करते हैं, जो कि काफ़ी आसान है, किसी मशीन का यूज़ नहीं करते, और ये नेचुरल है। जैसे कि लकड़ को काटा, काटने के बाद नोकीली चीज़ से इसको हम इस तरह से कटिंग करते हैं, कटिंग करने के बाद फिर एक लकड़ का और यूज़ करते ऊपर से दबाने के लिए, और नींबू इसके अंदर रखे जा रहे, देख सकते हैं आप। तो देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी अच्छा, अच्छा दिख रहा है, काफ़ी आसान तरीके से इसका रस निकाला जा रहा है। और शाम को जैसे ये पूरा हम इनको ख़त्म कर लेंगे और इनका रस निकाल लेंगे, उसके बाद हम इनको आग में पकाएंगे इसके रस को, वो भी मैं अगर संभव हुआ तो वो भी दिखाऊंगा मैं आपको वीडियो में। तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने फैमिली और दोस्त के साथ शेयर करें। ये आप लोग भी, अगर आप लोग जो भी आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके उधर भी ऐसा कुछ करते हैं तो कमेंट पे ज़रूर लिखिए कहाँ से हैं और कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो हम आपके कमेंट हमें और भी बेहतर
बनाते हैं, तो ये काफ़ी आसान है, आप लोग घर पे भी बना सकते हैं इसको। देखिए इजी है, एकदम आराम से ये पिस रहा है, उसमें निचोड़ा जा रहा है एकदम अच्छा आसानी से, देख सकते हैं बिल्कुल ही सारा रस वश निकल जा रहा है इसका, काफ़ी सुंदर लग रहा है। तो गाइस देख सकते हैं काफ़ी आसानी से इसमें से इसका रस निकाला जा रहा है जाती में से, और जितने भी ये साइड में दिख रहे होंगे आपके नींबू, इन लोगों के अपोजिट साइड में, उस सारे को यहाँ से ऐसे ही एक एक दो दो करके इसका रस निकालेंगे। रस निकालने के बाद शाम को रात को इसको आग जला के चूल्हे में, जो नॉर्मल लकड़ी वाले चूल्हे पे आग जला के इसको पकाएंगे। पकाने के बाद जब ये अच्छे से एकदम पक जाएगा, फिर इसको बोतल में डाला जाएगा छान के इसका रस को, जो कि इसकी कीमत है, अगर यहाँ पे कोई ख़रीदता है बेचते हैं, हम लोग तो जस्ट अपने घर के लिए कर रहे हैं ये, अगर ये कोई बेचता है ऐसे अगर, तो इसकी कीमत 500 रुपये तक की है एक बोतल का। काफ़ी डिमांड होती है लोगों की कि हमें भी चाहिए करके, बहुत ही अच्छा होता है। बड़े बुज़ुर्ग लोग कहते हैं कि ये गर्मी के लिए काफ़ी अच्छा रहता है, गर्मी के टाइम के लिए पेट के लिए, तो लोग इसको पानी में डाल के चीनी पानी नींबू पानी टाइप का करके भी पीते हैं, और चटनी में इस्तेमाल करते हैं। आप लोग जैसे खट्टास पसंद करते हैं नींबू वम्बू दाल चावल के ऊपर, ऐसे खाते टाइम पे भी यूज़ कर सकते हैं इसका। तो देख सकते हैं इसी प्रकार से इसकी रस निकलने की प्रक्रिया, बड़े नींबू को, बड़े नींबू का रस निकालते हैं। ये हाथ से बना हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं नींबू को ऐसे रख के ऊपर से इस लकड़ को दबाना होता है नीचे की ओर, जिससे ये रस आता है नेचुरली। तो देख सकते हैं ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये वीडियो, तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये पहाड़ी जो ये देख रहे हैं, इसको जाती के नाम से जाना जाता है, जो कि लकड़ को नोकीली चीज़ से छीना हथौड़ी से इसको मार के बनाया गया है ये हाथ से। तो काफ़ी अच्छा है जो इसका रस है, हम लोग चटनी नॉर्मल जो भी सिलबट्टे में पीस के या मिक्सी में पीस के जो भी चटनी बनाते हैं उसमें इसको डालते हैं खट्टास के लिए। देख सकते हैं इसके नीचे हमने ये बाल्टी लगा रखी है, जो भी इसका रस है इसमें जा रहा है। फिर रात को इसको जब ये पूरा पिल जाएगा, इधर रखा हुआ इतना सारा कट्टों में आप देख रहे होंगे, जैसे ये सारा हम इनको निचोड़ नाचोड़ के बना देंगे, उसके बाद रात को इसको पकाएंगे। पकाने के बाद जब अच्छे से पक जाएगा ये इसका रस, फिर बोतलों में डालेंगे, जिसकी कीमत आजकल हमारे यहाँ पे उत्तराखंड में 500 रुपये बोतल का है। तो काफ़ी लोग इसको ख़रीदते हैं, बट हम लोग बेचने के लिए नहीं कर रहे, घर के यूज़ के लिए हैं, अपने घर के यूज़ के लिए। तो देख सकते हैं ये होती है पहाड़ी लाइफस्टाइल दोस्तों। मैं भी अभी कुछ दिनों की छुट्टी लेके गांव आया हूँ, तो यहाँ पे ये लोग ऐसे कर रहे थे, हमारे घर पे भी थे, तो मैंने भी कहा चलो मैं अभी करके देखता हूँ क्या कुछ देखने को। ऐसे लगाना पड़ता है और ऊपर से जोर से प्रेस करो। काफी इंटरेस्टिंग है।
तो फटाफट जाओ यूट्यूब पे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल इट्स राकेश लब के नाम से है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो हमारी वीडियो, और ऐसे प्यार देते रहो। तब तक के लिए बाय बाय और हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली और माय रिलेटिव एवरीवन। तब तक करते हम ये काम और रात को दिखाएंगे इसका रस पकाते हुए, शाम को जब भी हम फ्री हो जाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय। तो देख सकते हैं जो चूक था बड़ा नींबू का रस, हम उसको पका रहे हैं अभी। पकने के बाद ये जिसको ठंडा होने देंगे, फिर इसको बोतलों में भरा जाएगा। ये फुल था इस तांबे के बर्तन में, पूरा तांबे का जो भगोना है बड़ा वाला, इसमें फुल था। अभी पका के इसको घटा रहे हैं, ऐसे घट के पक के जब एकदम लेवल में आ जाएगा, मोटा हो जाएगा, फिर इसको निकाल के ठंडा करके बोतल में डालेंगे।